भर्ती लिखित परीक्षा जूनियर और प्राइमरी के लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सामान्य विज्ञान में विविध सामान्य विज्ञान के अंतर्गत बल एवं गति, जो आपके सिलेबस में, जो आपके पाठ्यक्रम में है सामान्य विज्ञान के। यहाँ से आपकी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। यह वीडियो प्रतिदिन रात 9:30 बजे निःशुल्क इन लर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क राष्ट्रहित में देश हित में लाइव क्लास आपके मिलती है। अगर आप लोग भविष्य में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, अध्यापक या अध्यापिका बनना चाहते हैं, इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम लेकर बैठे रहिएगा। यह वीडियो आपके जीवन की एक यादगार, एक ऐतिहासिक वीडियो होगी। यह वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन आपके सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण होगी, जहाँ पे हम इसके प्रश्नों के साथ साथ हम इसकी विस्तृत व्याख्या को पढ़ेंगे और क्लास को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। पहला प्रश्न आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा, तोरण क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूं जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे होंगे वो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि तोरण क्या है। सभी साथी जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए निम्नलिखित में से तोरण क्या है। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें कि तोरण है, तोरण क्या है। देखिए बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है कि तोरण क्या है। तोरण क्या है, बल के समानुपाती त्वरण होता है, न्यूटन की गति के दूसरे नियम। ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या होगा, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, दूसरा नियम। तो जो दूसरा नियम है वो क्या है, त्वरण वस्तु पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है। क्या है, त्वरण जो होता है बल के, बल पर लगने, त्वरण वस्तु पर लगे बल को के समानुपाती होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी का राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्योंकि शिक्षक भर्ती के लिए सामान्य विज्ञान जूनियर प्राइमरी दोनों के लिए महत्वपूर्ण सीरीज प्रतिदिन आपके बीच लाइव 9:30 बजे चलती है। अगला प्रश्न आपके बीच है कि आपको शायद दिख रहा होगा, वक्र के आसपास गतिमान कार किस प्रकार का बल कार्य करता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहा है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। अगर आप जूनियर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की, तो भी आपके सिलेबस में है। चाहे जूनियर टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, दोनों में सामान्य विज्ञान आपके पूछे जाते हैं। सभी साथी बताएं वक्र के आसपास गतिमान कार पर किस प्रकार का बल कार्य करता है। जितने भी शिक्षक इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, भविष्य में जिन्हें सरकारी शिक्षक बनना है, वे सभी इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। सभी साथी फटाफट जरूर कमेंट करें। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट जरूर कमेंट करें। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए। अगर आप नहीं बताएं तो हम आपको बताते हैं, यहां पर दिए गए प्रश्न का अपकेंद्री बल होगा। क्या होगा, अपकेंद्री बल इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगर वृत्ति पथ है, कोई अगर यहां पे पथ है, चाहे वृत्ति पथ हो चाहे वक्राकार हो, तो गतिमान किसी वस्तु पर कौन सा बल काम करता है, अपकेंद्री बल कार्य करता है। यह वृत्ताकार वृत्ति पथ के केंद्राभिमुख कार्य करता है। जैसे आपने देखा होगा कुम्हार का चाक, उस पर कौन सा बल काम करता है, उस पर अब केंद्रीय बल काम करता है। यह भी एक प्रश्न आपके परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन आपसे निवेदन है कि जो लोग अभी तक वीडियो में जुड़े हैं, पहला काम वीडियो को लाइक करिए, दूसरा काम इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चाहे अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पे, जहां भी आप जुड़े हुए हों जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, वॉशिंग मशीन सभी के घर में होगा, जिसे धोवन यंत्र कहते हैं, हिंदी में से धोवन यंत्र कहते हैं, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता। बहुत ही यूनिक प्रश्न है, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो पूरी तरह से ये पाठ्यक्रम एनसीईआरटी पर है, और हम हमेशा उद्देश्य हमारा कि एनसीईआरटी तथ्यों को कंप्लीट करना, एनसीईआरटी तथ्यों को पूरा करना। तो जल्दी से फटाफट सभी लोग कमेंट करके बताइए कि जो वॉशिंग मशीन है, धोवन यंत्र है, ये किस सिद्धांत पर काम करता है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, क्योंकि सभी को सिलेक्शन लेना है। देखिए यह है, अभी आप लोगों ने देखा अपकेंद्रण बल पर, क्योंकि आज के टॉपिक का नाम है बल और गति। तो बल हम लोगों ने देखा कौन सा बल काम करता है, अपकेंद्रण बल काम करता है, इसे अपकेंद्रण सिद्धांत पर काम करता है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प जो होगा वह डी प्रश्न का राइट आंसर होगा, डी प्रश्न का सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग ऐसे ही क्लास में बने रहिएगा, यकीनन आप 10 में 10 करेंगे साइंस में। चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सी टेट जूनियर की, जहां भी सामान्य विज्ञान आएगा इसके बाहर आपके पाठ्यक्रम में नहीं आएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस प्रक्रिया द्वारा द्रव से बुलबुले का निर्माण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही यूनिक प्रश्न है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, सभी लोग को कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब देना है, और ऑनलाइन क्लास या नोट्स के संबंधित आप लोग
इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये जौनपुर जनपद से क्लास संचालित की जाती है ई लर्निंग दुर्गेश पर, जहां से मैं निःशुल्क आपके लिए प्रतिदिन क्लास लेकर आता हूं। सभी लोग इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। किस प्रक्रिया के द्वारा ड्रग के बुलबुले का निर्माण होता है, एकदम यूनिक प्रश्न है और आप सभी के पाठ्यक्रम में है। हरिओम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी लोग शेयर कर दीजिए। देखिए हरिओम गुप्ता जी ने भी कहा है कि अपने वीडियो को सभी साथी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है इस प्रश्न के उत्तर के बारे में। इसका होगा उत्तेजना या प्रबुद्ध बुदन किसे कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रबुद्ध बुदन या उत्तेजना वह प्रक्रिया है जिससे रासायनिक क्रिया के कारण विमुक्त गैसें द्रव में बुलबुले का निर्माण करती हैं। जी हाँ, जो विमुक्त गैसें होती हैं वो द्रव में बुलबुले का निर्माण करती हैं। पृष्ठीय तनाव के कारण बूंदे गोली होती हैं। जी हाँ, बूंदे गोली होती हैं। कौन सी? वर्षा की बूंदे। वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो किसकी वजह से, वर्षा की जो बूंद होती है वो किसकी वजह से? पृष्ठीय तनाव की वजह से गोली होती है। लेकिन यहां पर जो आपका प्रश्न का उत्तर होगा वो ए इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ, इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, ये एनसीईआरटी से पूरी तरह से एनसीईआरटी से प्रश्न को निकाला गया है। 6 to 10 या आपकी 6 to 10 माने 6 से लेकर 10 तक के जो विज्ञान की सीरीज है वहां से प्रश्नों को कलेक्ट किया गया है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख ले। अगला प्रश्न आपके पास है, एकदम हलवा वाला प्रश्न है। मैं चाहूंगा सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। एक साफ ग्लास प्लेट में पानी डाल, जल की बूंद पतली सतह में फैल जाती है जबकि पारी की बूंद गोलाकार बनी रहती है, इसका कारण क्या है? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी कॉमेंट करके जवाब देंगे। जितने भी सरकारी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ, साथ में सब लोग नोट्स बनाते चलेगा। अकॉर्डिंग टू टॉपिक आपका सुपर टेट का पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट करा देंगे प्रतिदिन रात 9:30 बजे। बाकी टाइम आपके 11 बजे तक क्लासेस चलती हैं, सुबह शाम के 6 बजे से निःशुल्क। उसके लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश, अभी वहां पे प्रैक्टिस सेट की सीरीज डाली गई है। एक बार उस प्रैक्टिस सेट की सीरीज को जरूर पढ़िएगा। ई लर्निंग विद दुर्गेश पूरे प्रदेश में सबसे बेस्ट फैकल्टी आपको उपलब्ध कराएगी निःशुल्क। जौनपुर जनपद में क्लासेज यहाँ से संचालित हो रही हैं। देखिए यहाँ पे पारे का संसर्जन इसके कांच के साथ असंजन से अधिक होता है। यहाँ पर एक बात पूछा है कि पारे पर का जो संसर्जन अथवा संयोग, इसे संयोग कहते हैं, संयोग जो होता है उसके कांच के साथ के आसंजक से अधिक होता है, इसलिए साफ ग्लास प्लेट में पानी जल डाली जाए तो जल की बूंद पतली सतह पर फैल जाती है जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह शीर्ष का राइट आंसर होगा, शीर्ष प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। आप इसके नोट्स बना लेंगे तो पूरी तरह से थियरी हो जाएगी, साथ में नोट्स लिखते चलिएगा, ठीक है, एकदम अकॉर्डिंग टू टॉपिक हो जाएगा आपका। आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार होता, बहुत ही यूनिक प्रश्न है। बहुत सारे प्रश्न आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा में ज्यों के त्यों मिलेंगे, जैसे आप यहां पढ़ रहे हैं हूबहू आपके परीक्षा में मिल जाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आप लोग से बस एक निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। एकदम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। मुझे क्या करना है मुझे पता है, मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपके प्रश्न कराऊंगा, साथ ही साथ इसकी नोट्स बनाते चलेंगे, पूरी थ्योरी तैयार हो जाएगी। देखिए अगर पृथ्वी की केंद्र पर देखा जाए तो पृथ्वी की केंद्र पर जो गुरुत्व का मान होता है, माने जी का मान होता है, ध्यान दीजिएगा, जो जी का मान होता है वो 0 होता है। इसलिए हम ये जानते हैं डब्ल्यू जिसे वेट कहते हैं, वेट बराबर एम जी होता है। एम जी का मतलब यहाँ पे वेट माने भार बराबर क्या होगा, यम का मतलब होगा द्रव्यमान, मॉस होता है, और जहां पे जी होगा या गुरुत्व होगा आपका, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा यहां पे गुरुत्व क्या है, 0 हो जाएगा। कैसे? यहां पे हमें ज्ञात करना है भार, तो भार यहां पे क्या है, 0 है, भार क्या होगा, 0 होगा, इसलिए यम इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो भार क्या होगा, 0 होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी होगा। एकदम रट लीजिए, एकदम शिक्षक सरकारी शिक्षक अगर आपको बनना है, अध्यापक या अध्यापिका बनना है तो एकदम रट्टा मार लीजिए, क्योंकि यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में हूबहू पूछे जाएंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए, चाहे अपने फेसबुक में, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में, स्टेटस में, जो भी साथी आपके शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे जूनियर टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 20 का राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न फिर आपके सामने है, किसी नियम की सहायता से धातु की शुद्धता निर्धारित की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एनसीईआरटी में है और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि यह पूरी साइंस की सीरीज एनसीईआरटी पैटर्न पर अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका चल रहा है। तो जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा, किस नियम की सहायता से धातु की शुद्धता निर्धारित की जाती थी। एक बार एक राजा अपने मुकुट की शुद्धता जांच करने के लिए दिए, एक सुनार ने उस मुकुट में कुछ मिलावट कर दिया, तो वहां के एक व्यक्ति थे उस मुकुट की शुद्धता जानने के लिए उसे पानी में डाल दिया, फिर उतना शुद्ध सोना डाला, दोनों द्वारा हटाए गए जल को तुलना किया गया तो पता चला कि सोने के मुकुट में कुछ मिलावट थी। वह वैज्ञानिक का नाम था आर्कमिडीज का सिद्धांत, उस विद्वान का नाम था आर्कमिडीज का सिद्धांत। यह कहानी आपको एनसीईआरटी में मिलेगी। हरिओम जी का कहना है कि एक दिन ये चैनल लाइव 5000 से ज्यादा लोग देखेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पर हमने देखा कि आर्कमिडीज का जो सिद्धांत था, किसी भी वस्तु को यदि किसी भी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाए, आर्कमिडीज का सिद्धांत था कि जब किसी भी वस्तु को किसी भी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाए, उसके द्वारा हटाए गए जल का भार अगर वस्तु के भार से कम है तो वस्तु तैरेगी, अगर वस्तु के भार से बराबर है तो मध्य में तैरेगी, अगर यदि वस्तु का भार ज्यादा है तो वस्तु डूब जाएगी। तो याद रखिएगा, वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार उसके आयतन के बराबर होता है। ये किसने कहा था? ये आर्कमिडीज ने कहा था। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि आर्कमिडीज का सिद्धांत हम लोग को पास्कल का भी पढ़ना है, बायल का नियम पढ़ना, द्रव का संरक्षण का नियम पढ़ना, सब कुछ पढ़ना है, लेकिन एक एक कर पढ़ना है। प्रतिदिन रात में 9:30 बजे पढ़ना है, क्योंकि यह सुपर टेट की रात है, शिक्षक भर्ती की रात है। यह आने वाला समय आपके जीवन का ऐतिहासिक समय है। यहाँ पे आपको अगर सिलेक्शन नहीं लिया तो फिर समझिए जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, बलों की न्यूनतम संख्या जो वस्तु के साम्य अवस्था में बनाए रखती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, एकदम यूनिक प्रश्न, एकदम इजी प्रश्न है। क्या आप चाहते हैं यह वीडियो एक दिन में 5000 से ज्यादा लोग लाइव देखें? आपके साथ के होंगे बहुत सारे मित्र जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करेंगे, जो यूपीटेट जूनियर की तैयारी कर रहे होंगे, साइंस फैकल्टी से होंगे, जो सीटेट जूनियर की तैयारी साइंस फैकल्टी से कर रहे होंगे, उन सभी के लिए क्लास रामबाण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा 2। कैसे? देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर अगर आप लोग जानना चाहें तो बहुत ही आसान है कि बलों की न्यूनतम संख्या 2 होती है। एक होता ही है जो वस्तु को साम्यावस्था में बनाए रखती है, और जब वस्तु पर आरोपित सभी बल का परिणाम शून्य हो तब वस्तु साम्य अवस्था में होगी। माने यहाँ पे 2 प्रकार के बल होते हैं, इसलिए साम्य अवस्था बना, एक ढकेला जाए, एक रोका जाए, इसलिए अस्थाई अस्थाई करके हम रख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो 20 का राइट आंसर होगा। हो सकता है ये प्रश्न आप सभी का परीक्षा में हूबहू ना आ जाए, इसलिए इसकी अच्छे से तैयारी करिएगा, सिलेक्शन वाले प्रश्न है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साम्य अवस्था बनाए रखने के लिए पूछा है, पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। जो वस्तु को साम्य अवस्था बनाए रखती है तो केवल 2 बल होती है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि जब पत्थर के किसी टुकड़े को जल में डुबोया जाता है तो वह किसके बराबर जल को विस्थापित करेगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। अभी हमने ऊपर आर्कमिडीज का सिद्धांत बताया था। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, अभी मैंने ऊपर क्या बताया था, आर्कमिडीज का सिद्धांत आपको बताया था। देखिए, क्लास खत्म होने के बाद 24 घंटे के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध की जाती है, जिसका लिंक आपको दुर्गेश सर सर्च करना है बिना स्पेस के। ई लर्निंग पे दुर्गेश को ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी क्लास की लिंक, टेट, सीटेट, सुपर टेट, फ्री पीडीएफ नोट सब आपको यहाँ पे 24 घंटे के बाद यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, और बिना उत्तर के रहती है, क्योंकि उत्तर आपको यहाँ पे बता दिया जाता है, तो केवल आपके रिविजन के लिए होती है। जब पत्थर किसी टुकड़े को डुबोया जाए तो हमने ऊपर बताया था कि आर्कमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी भी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाए तो वस्तु के आयतन के बराबर, किसके बराबर, आयतन के बराबर। तो जिन साथियों ने, जिन इस देश के भावी अध्यापक अध्यापिकाओं ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया था, उन सभी का जवाब पूरी तरह से सही था, माने डी वालों का राइट आंसर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप सभी रेस के घोड़े हैं। सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम जैसे जुड़ेंगे आप सभी को सभी चीजें एक तरफ से उपलब्ध होती चली जाएंगी। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको शायद दिख रहा होगा कि जब 2 बर्फ के 2 टुकड़ों को एक साथ मिलाया दबाया जाता है तो आपस में जुड़कर बर्फ का एक टुकड़ा बन जाता है, निम्नलिखित में जुड़ने में कौन मदद करता है। बहुत ही यूनिक प्रश्न है, ये एनसीईआरटी है।
सभी लोग फटाफट कमेंट करें, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके एनसीईआरटी से है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं किताब ले पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, तो ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ जाइए। सभी लोग फटाफट जरूर कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जब दो बर्फ के दो टुकड़ों को एक साथ मिलाया दबाया जाए तो आपस में जुड़कर बर्फ का एक टुकड़ा बन जाता है, कौन सा नियम काम करता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, क्योंकि आप सभी को सिलेक्शन लेना है, आप सभी को सरकारी अध्यापक अध्यापिका बनना है, तो जल्दी से कॉमेंट करिए। क्या हुआ, जवाब नहीं देंगे क्या आप लोग? डर गए क्या आप लोग की वीडियो शेयर नहीं करेंगे? अब बताइए, इतने लोग लाइव हैं लेकिन वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया। पता है जो लाइक नहीं किया वो शेयर कहाँ से करिए होंगे? देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन बंद का निर्माण, मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? एकदम सही जवाब होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, जब बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में मिलाया जाता है, दबाया जाता है, उनके बीच हाइड्रोजन बंद के निर्माण के कारण जुड़कर बर्फ का टुकड़ा एक हो जाता है, इसलिए इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प है ए है, और ए वालों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा एकमात्र उद्देश्य है आपको अपने गृह जनपद में सरकारी शिक्षक अध्यापक अध्यापिका बनाने तक का सपना है, तो आप अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए लगे रहिए और अपना बेस्ट देते रहिए। अगला प्रश्न फिर आपके सामने है, किस गुण के कारण रेन प्रूफ कोट तथा टेंट की सामग्री वस्तु में जल प्रतिरोधकता का गुण आता है? एकदम यूनिक प्रश्न है, आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, एनसीईआरटी के आधार पर आपके लिए लाई गई है। देखिए, जितने लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया है, आप वीडियो को पूरे मनोयोग के साथ देख रहे हैं, ईश्वर करे अगली शिक्षक भर्ती में उनके एक स्थान जरूर फिक्स हो। और जिन साथियों ने वीडियो चलने से पहले लाइक किया है या बाद में लाइक किया है, भगवान उनकी बुद्धि विवेक दिमाग संस्कार ऐसे ही बनाए रहे और वो लोग पूरे जीवन भर ऐसे करते रह जाएं, क्योंकि सबका सिलेक्शन नहीं हो सकता और ये कोरी सच्चाई है। और हम चाहते हैं उन अच्छे बच्चों का सिलेक्शन हो, अच्छे लोग बेसिक शिक्षा परिवार का हिस्सा बने, तभी हमारा बेसिक शिक्षा परिवार ऊंचाई पर जा पाएगा। इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से कमेंट करके बताइए। पृष्ठी तनाव के कारण, जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, रेनकोट हो या टेंट में जो प्रयुक्त वस्त्र सामग्री होती है उसमें उच्च पृष्ठी तनाव गुण के कारण वर्षा की बूंदें इन वस्त्रों की सतह पर भिगो नहीं पाती हैं, इसलिए इस प्रश्न का इसका उत्तर जो होगा ए होगा। तो जिन साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर ए दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। अच्छे लोग का इंतजार हमारा बेसिक शिक्षा परिषद कर रहा है और हम चाहते हैं आप सभी लोग अपना बेस्ट देते रहें, अपना बेहतर देते रहें। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, एनसीईआरटी है, जिस एनसीईआरटी में कक्षा 6 से लेकर 10 तक का समायोजन किया गया है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। अगला प्रश्न है, यदि मलाई से दूध अलग होती है तो दूध का घनत्व बढ़ेगा घटेगा? एकदम यूनिक प्रश्न है। जी हां मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। जी हां, आप सभी का धन्यवाद। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो खुद वीडियो को शेयर करने की बात बार-बार कह रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। पता है आप लोग इसी सहयोग की वजह से मैं हर काम छोड़ देता हूं, लेकिन आपकी 9:30 बजे की शिक्षक भर्ती की मैराथन क्लास कभी नहीं छोड़ता। ये हफ्ते में 7 दिन चलेंगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको आपके माता पिता का सपना पूरा कराना, आपको सरकारी शिक्षक बनाना, आपको अध्यापक अध्यापिका बनाना। उसके लिए मैं अपनी जी जान लगा के मेहनत करूंगा, यूनिक प्रश्न लेकर आऊंगा। लेकिन बस आपसे एक निवेदन है, पूरे मन से पढ़िएगा, साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। यदि मलाई दूध से अलग होती है तो दूध का जो घनत्व होगा क्या होगा? मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस प्रश्न का सभी को जवाब देना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा कि मलाई का जो घनत्व है वो बढ़ जाएगा। क्या होगा? तो दूध का घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। कैसे होगा? ध्यान से देख लीजिएगा। इस पे मलाई का घनत्व दूध के घनत्व से कम होता है, मलाई का जो घनत्व होता है दूध के घनत्व से कम होता है, मलाई हल्की होती है। मलाई देखा होगा आपने, एकदम हल्की होती है। कैसी होती है? हल्की होती है, और दूध का घनत्व उससे ज्यादा होता है। याद रखिएगा इस प्रश्न को, जबकि दूध का घनत्व मलाई के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए जब मलाई दूध से अलग होती है तो उसका घनत्व क्या होगा? बढ़ जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प जो होगा वो ए होगा। सभी लोग ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न का उत्तर, कि यदि मलाई दूध से अलग होती है तो दूध का घनत्व बढ़ेगा, क्योंकि मलाई हल्की होती है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि हिमपात और ओला किसका घनत्व ज्यादा होता है, तो ध्यान दीजिएगा, ओला का घनत्व कम होता है,
हिमपात घनत्व कम होता है, ओला घनत्व ज्यादा। अगर ओला किसी के सर पर मार दिया जाए तो सर फूट जाएगा, लेकिन हिमपात से मार दिया जाए सर नहीं फूटेगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे 1 किलो रुई से मारिए, मैं आपको 1 किलो बटखरे से मारूंगा। वजन बराबर है, लेकिन यहाँ पे जो फर्क है वह डेंसिटी का है, वह घनत्व का है। उसी प्रकार मलाई का घनत्व कम होता है, दूध का घनत्व ज्यादा होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए होगा, यह एनसीईआरटी में दिया गया है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, यह एनसीईआरटी में है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच है, तैली सतह पर जल की बूंदों को ठहराव न होने का कारण क्या है। आपने बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, तैली सतह पर जल की बूंदों के ठहराव न होने के कारण क्या होता है। आसंजक बल की कमी होती है, पृष्ठीय तनाव होती है, उनका आपस में मिश्रण हो सकता है, जल का तेल में हल्का होना है, क्या होता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा, जितने लोग सरकारी शिक्षक बनने के लिए इस क्लास को पूरे मनोयोग के साथ देख रहे हैं, यकीन मानिए इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको कभी किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल इसका नोट्स बनाते चलिएगा जितना पढ़ रहे हैं। इस वीडियो को एक नहीं दो बार देखिएगा तो इसका कारण है पृष्ठीय तनाव। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस प्रश्न का उत्तर बी है। कुछ लोगों के सवाल के जवाब यहाँ पे गलत हो जाते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन परीक्षा में कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे चाहे जितनी गलतियां हो जाए हम आपको गोली नहीं मार देंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा यहां पर कि जल के अणुओं का जो जुड़ाव होता है संजक होता है, बल असंजक बल से अधिक होता है। जल के अणु बहुत मजबूती से आपस में जुड़े होते हैं, किंतु तैली सतह पर जल के ना ठहर पाने का कारण उसकी पृष्ठीय तनाव का जल से अधिक होना होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर बी होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पुनः आपके सामने है, मिट्टी से जड़ के रेशों तक जल में पहुंचने का कारण क्या है। बहुत ही यूनिक प्रश्न है, सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के भावी अध्यापक अध्यापिकाओं, इस देश के निर्माताओं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, कि मिट्टी के से जड़ के रेशों तक जल पहुंचने का जो कारण है वो क्या है। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया है हम आपको एनसीईआरटी के साथ लेकर चलेंगे, ऐसे प्रश्न पढ़ाएंगे जो परीक्षा में हूबहू आएगा। ध्यान से देखिएगा, इसका है केश का दबाव। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा केश का दबाव। इसे हम कोशिका दबाव भी कहते हैं, यहाँ पे शायद मात्रा नहीं लगा है। कोशिका दबाव की क्रिया के कारण जड़ जो जल होता है मिट्टी से जड़ों के रेशों तक पहुंचता है। जी हाँ, जल मिट्टी से जड़ों के रेशों तक पहुंचने का काम करता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो 20 का राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। यार 10-10 लोगों को खाली शेयर करिए, आप प्रतिदिन इस क्लास के बारे में बताइए। मेरी क्लास 3 दिन को ये लेकर देखे, केवल 3 दिन, यकीन के साथ कहते हैं वो क्लास कभी जीवन में मिस नहीं करेगा। आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बाल पेन के कार्य करने का सिद्धांत, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनसीईआरटी कक्षा 9 का प्रश्न है, ये एनसीईआरटी क्लास 9 का प्रश्न है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, ये क्लास 9 का प्रश्न है, तो जल्दी से फटाफट कॉमेंट करके बताइए। हाँ केशिका था, अच्छा केशिका था, इसके पहले वाला प्रश्न जो था केशिका, जी सत्या जी ने बताया केशिका, ठीक है। रूबी जी थैंक यू, आपने 46 लोगों को शेयर कर दिया। अरे कोई बात नहीं, नोट्स जो बना रहे उसके लिए तो और अच्छी बात है। देखिए बाल पेन किस सिद्धांत पे काम करता है, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, हमें देखना है इस प्रश्न का सबसे सही जवाब कौन सा अध्यापक देखता है। सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा। सभी लोगों ने लाइक नहीं किया क्योंकि संख्या आपकी लाइक की कम है। यार अभी भी तो मास्टर हो, जग जाओ, पढ़ लो मास्टर, मास्टर वीडियो है सुपर टेट की। ध्यान से देखिएगा, बाल पेन के कार्य करने का जो सिद्धांत तो होता है वह पृष्ठीय तनाव होता है। क्या होता है? पृष्ठीय तनाव होता है। ध्यान से देखिएगा, बाल पेन गुरुत्वाकर्षण बल तथा पृष्ठीय दोनों पर सिद्धांत पर कार्य करता है। वह गुरुत्वाकर्षण पर भी काम करता है, किस पर? बाल पेन और इस पर भी काम करता है, दोनों पे काम करता है। लेकिन कागज के सतह पर लिखना पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। कागज की सतह पर लिखना वह पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह डी होगा। सही दोनों है, लेकिन यहां पर हाँ केशिका होता है, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखिएगा,
जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं आपने ध्यान से समझा होगा किस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी होगा, सी नहीं होगा, क्योंकि सही दोनों है, ये भी सही है ये भी, लेकिन लिखने का जो कारण है वो क्या होगा, वो कागज की सतह होगा। समझ में आया आप लोग को, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिलेक्शन है आपका, दोनों प्रश्न की ये भी सही है ये भी सही है, अगर आता ऑप्शन में सी और डी तो आप सी और डी दोनों लगाते, लेकिन यहाँ पे दोनों विकल्प में है, इस दशा में विकल्प डी का चयन करेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पुनः आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है, एक स्थिर घूर्णी चरखी का प्रयोग कुआं से जल निकालने के लिए किया जाता है, किस कारण किया जाता है, मेरे सभी शिक्षक साथी बताएं, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं, इस देश के भावी शिक्षक, इस देश के निर्माता, इस देश के पालनहार, आप सभी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं और आप अपने प्रश्न का जवाब गलत सही जरूर दीजिएगा, क्योंकि इसी के साथ अगली शिक्षक भर्ती में आपकी दावेदारी प्रस्तुत होगी। तो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट करके बताइए कि घूर्णी चरखी का प्रयोग कुआं से जल निकालने के लिए किया जाता है, कौन सा कारण यहां पर होगा, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। देखिए ये एक सामान्य मशीन की तरह काम करता है, किसकी तरह सामान्य, देखिए ये कुआं होता है, जैसे ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये कुआं हो गया, ठीक है, यहां पर क्या होता है, ये एक मान लीजिए ये रस्सी लगी हुई है कुआं, हमको चित्र बनाने नहीं आता, ठीक है, ये कुआं बना है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो बहुत बल सहज सुविधाजनक दिशा में आरोपित होती है, मतलब यहां पर क्या होगा कि यह आरोपित बल की जो दिशा में परिवर्तन कर देती है, इसका प्रयोग भारी वस्तुओं को उठाने के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है कि भारी वस्तुओं को उठाने के लिए किया जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, एक प्रश्न आ रहा है कि सर SST की क्लास कब चलती है, SST क्लास प्रतिदिन 6:15 पर चलती है। जी हाँ SST की क्लास प्रतिदिन 6:15 पर चलती है, जिसका लिंक आपको दुर्गेश सर सर्च करके टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों यहां पर चलती है, तो दोबारा जो है इस वीडियो के सवाल को ना पूछें आप। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न बहुत ही आसान है आपके डिस्प्ले पर, यह भी NCERT का है, पढ़ लो मास्टर, ठीक है, कि मास्टर वीडियो सीरीज आपके लिए है। जब दो छड़े एक तांबा तथा दूसरी इस्पात स्टील की छड़ को पानी में डुबाने पर समान उपलावन या उठाव का अनुभव होता है तो दोनों क्या रखती हैं। एकदम आसान प्रश्न है, NCERT वाले प्रश्न है, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से किसी भी व्यक्ति का कोई भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। सभी लोग फटाफट कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं और आप तो इस देश के सरकारी शिक्षक बनने वाले हैं, तो जल्दी से सवाल का जवाब दीजिएगा। देखिए जब समान रूप से डुबोया जाता है, समान रूप से उपलावन बल काम करता है, इसका मतलब उनके आयतन क्या है, आपस में समान है, उनके आयतन आपस में बराबर है। इसके सिद्धांत को आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं, ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा इसे सिद्धांत को क्या कहते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी वस्तु को किसी भी द्रव में पूर्ण रूप से डुबोया जाता है तो उपलावनता होती है वस्तु के आयतन, द्रव्य की घनत्व तथा विस्थापित द्रव की घनत्व पर आधारित होती है, लेकिन तांबा तथा स्टील का घनत्व अलग अलग है, इसलिए समान उपलब्धता के लिए दोनों वस्तुओं का आयतन समान होना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो ए, इसका राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मैंने पहले ही आपसे वादा किया है, हम सुपर टेट के जो सिलेबस के आधार पर चलेंगे, प्रतिदिन टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि आप भी सरकारी शिक्षक बनने के लिए डेली 9:30 लाइव आते हैं, तो भैया अपने सभी साथी मित्रों को पहुंचाइए, उन सभी सहेली सहेला को पहुंचाइए जो सरकारी शिक्षक बनने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। अगला प्रश्न फिर आपके सामने है, यदि एक सामान्य ग्लास शीशे ट्यूब और एक ग्लास शीशा केसिका ट्यूब दोनों को जल के बर्तन में डुबोया जाए तो जल का स्तर कितना बढ़ेगा। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए ऑनलाइन क्लास से संबंधित कोई भी जानकारी आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर से मिल जाएगी। यह क्लास जौनपुर जनपद से निशुल्क चलती है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आपको सरकारी शिक्षक बनाने के लिए सभी लोग फटाफट कमेंट करें।
क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप रेस के घोड़े हैं और आपको सरकारी शिक्षक तक दौड़ लगाना है, तब तक नहीं रुकना है जब तक, क्योंकि यह 5 महीना आपके जीवन की ऐतिहासिक है, या आने वाला समय आपके जीवन के ऐतिहासिक है। आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा आपके सर पर है, अगर आपने कुछ नहीं किया तो सोचिए आपकी जीवन कहाँ होगी, इतनी बड़ी भर्ती फिर दोबारा नहीं आने वाली है। इसलिए लगा दो अपनी जान, फूंक दो अपने आप को, कब तक इस पढ़ाई की आग में, क्योंकि आपको सफल होना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा दोनों में होगा, क्या होगा? दोनों में, दोनों ही नलियों में जल का स्तर ऊपर की ओर बढ़ेगा। जल के स्तर का ऊपर बढ़ना गिरना दोनों ग्लास के नलियों की संकीर्णता पर निर्भर करता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा ए होगा, यह एनसीईआरटी सीरीज है। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके पुनः सामने है कि वर्तिका अथवा दिया की बाती के तेल के ऊपर बढ़ने, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह एनसीईआरटी है। आज जितने लोगों ने बचपन में लेकर एनसीईआरटी या एससीईआरटी की किताब पढ़ी होगी, उन्हें इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, एनसीईआरटी एससीईआरटी की सीरीज है, अथवा दिया की बाती तेल के ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है, सभी लोग बताइए। ऊपर अभी हम लोगों ने देखा था, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। जी हाँ, देखिए इसका जो होता है किसिक तो होता है तत्व की जो क्रिया होती है, अभी ऊपर इसके बारे हम लोगों ने पढ़ा था, इसके कारण दिए की जो बाती तेल ऊपर उठता है, तेल के जो कण तथा बाती के धातु के पृष्ठीय तनाव के मध्य संजक बल की क्रिया से केशिक तत्व की क्रिया संपन्न होती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो सी होगा, इसके कारण केशिक क्रिया की जो होती है वो संपन्न होती है। इसलिए यहां पर इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो सी का राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ सभी का? किसी को डाउट, कोई समस्या नहीं है ना? हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, अभी क्लासेज आपकी 1 घंटे और चलने वाली है। चलिए अगला प्रश्न पुनः आपके सामने है, अपमार्जक या सर्फ या डिटर्जेंट मिलाने पर जल का पृष्ठीय तनाव क्या होगा, ये भी यूनिक प्रश्न है। तो जितने भी शिक्षक हैं एक बार आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, हम आपकी क्लास को पढ़ाने के लिए हर चीज़ छोड़ देते हैं लेकिन आपकी क्लास कभी छोड़ते नहीं। तो बस इतनी निवेदन है आपसे, लेकिन आपको ये लग रहा है कि वास्तव में आपके लिए मेहनत करता हूँ, इस प्रश्न को इकट्ठा करना, टाइप कराना, फिर आपके लिए सब काम छोड़कर लाइव आना, तो बस इतना है, इसको हर गरीब तक पहुंचाइए, हर गरीब के माँ बाप का सपना पूरा करिए। क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वह क्लास में मिलने की वजह से नहीं पढ़ पाया। अगर आपको हर घर खुशी के दीप जलाने हैं और इस वर्ष कुछ नया करना है तो बस एक काम करना है, सभी को उनके माता पिता के सपनों का घर, उनके सपनों का विद्यालय, भारत के सपनों के विद्यालय तक पहुँचाना है। अपमार्जक या सर्फ या डिटर्जेंट, अपमार्जक सर्फ डिटर्जेंट मिलाने पर जो जल का पृष्ठीय तनाव होता है घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा, सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा। आपके शेयर करने से ना आपका पैसा कटेगा, ना आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन हाँ, आपके शेयर करने से हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में वीडियो लग जाए जिसको इस वीडियो के बाद से उसके जीवन में बड़ा बदलाव आए और आज के कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद वो अपने आप को सरकारी शिक्षक के रूप में परिणत कर पाए, तो यहाँ पर उसका क्या होगा, घटेगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, यहाँ पे क्या होगा कि अपमार्जक या डिटर्जेंट, जल के जो हाइड्रोजन बंद होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो हाइड्रोजन के बंद होते हैं उसके, ये बंद क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं। इसलिए जल का जो पृष्ठीय तनाव होता है ये कम होने लगता है, घटने लगता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प है मेरे प्यारे मित्रों वह बी होगा। उस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 20 का राइट आंसर होगा, क्योंकि यह सारे प्रश्न ऐसे हैं जो हूबहू आपके परीक्षा में आ सकते हैं। इसलिए पढ़ते रहिए, लगाते रहिए रेस, क्योंकि यह जिंदगी तभी रोकिएगा जब तक अपने आप को सफल न मान लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से किस द्रव में श्यानता अधिक होती है, क्या गजब का सवाल है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, लगा दीजिए अपने इस जुनून को और न बुझने दीजिए अपनी सोच को। चलिए बताइए किस द्रव में श्यानता अधिकतम होती है। जी हाँ साथियों, फटाफट कमेंट करिएगा, सभी लोग फटाफट कमेंट जरूर करिएगा, मत लाइक करिए, मत शेयर करिए, लेकिन अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराइए। गलत या सही प्रश्नों का जवाब दीजिए, क्योंकि यहां पे गलती होना चाहिए, परीक्षा हाल में नहीं होना चाहिए, तेल में होगा। जी हाँ तेल में होगा। अभी तेल को गिरा दिया जाए किसी ड्रम में, अगर भरा है तीनों पदार्थ, तो कौन धीरे धीरे गिरेगा, कौन
तो श्यानता द्रव्य की द्रव्यता को परिभाषित करती है। तेल में दिए गए सभी विकल्पों में द्रव्य की श्यानता सबसे ज्यादा रखती है। इसके बाद आपने डामर पढ़ा होगा, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न का। तेल से ग्लास में दूध भरिए, पलट दीजिए, ग्लास में दूध नहीं बचेगा। पेट्रोल डालिए, जल डालिए, लेकिन तेल की कुछ बूंदें लगी रह जाएंगी। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा ए होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बांध की दीवार जिसे वाल कहते हैं का आधार चौड़ा क्यों होता है? जैसे यहाँ पे एक डैम बनाना है तो हम देखते हैं उसका जो ये आधार होता है ये चौड़ा होता है। यहाँ पे देखिए जल होता है, यहाँ पे सागर का निर्माण होता है जिसे हम झील कहते हैं, कृत्रिम झील, और इसे हम बांध कहते हैं, डैम कहते हैं इसे। तो बताइए कमेंट करके इसका आधार चौड़ा क्यों होता है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, कमेंट करके बताइए ऐसा क्यों होता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। और ये ऑनलाइन क्लास नोट्स वीडियो लेक्चर सीटेट रिपीटेड सुपरटेट के लिए ये ई लर्निंग में दुर्गेश ऑफिस का नंबर, यहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी क्लास पूरी तरह से निःशुल्क चलती है। जौनपुर जनपद से जितने लोग हैं उन सभी का स्वागत है। ये मुलाकात करिए, हम सभी आपके आपसे मुलाकात करके मुझे बड़ी खुशी होगी। तो बताइए कॉमेंट करके बांध की दीवार की वाल का आधार चौड़ा क्यों होता है, एनसीईआरटी प्रश्न है आपका। देखिए इसमें क्या होता है, प्रवाह की आवश्यकता कारण सरल बहाव होता है, इससे गहराई के साथ सहनी प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है, क्षैतिज तल पर प्रतिरोध की अधिकता बढ़ने के कारण होता है। फिर कह रहे हैं बढ़ते वायुमंडल दबाव कारण ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो बी होगा, इससे गहराई के साथ सहनी प्रतिरोध क्षमता बढ़ती जाती है, क्योंकि यहाँ पे आयतन इसका ज्यादा होता है, यहाँ पे दबाव ज्यादा होता है, इसलिए नीचे की जो वाल होती है इसका आधार चौड़ा होता है, धीरे धीरे शीर्ष क्या होती है इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वो क्या होगा, बीस का राइट आंसर होगा। बीस प्रश्न का सही जवाब होगा कर हर हर मैदान फतह। ठीक है जी हाँ, एक झटका आप लोग और लगा दीजिए, संख्या 1000 के पार पहुंच जाएगी। एक बार आप लोग और एक बार जोर लगा दीजिए, बहुत ही अच्छी संख्या आपकी है, इस बात से प्रमाणित करता है कि आप क्लास आपको समझ में आ रही है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप सभी लोग। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पृष्ठीय तनाव का परिणाम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं एक बार आप लोग झटका लगा दीजिए अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। निम्नलिखित में से कौन सा पृष्ठीय तनाव का परिणाम है, जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा। जो भी मेरे प्यारे शिक्षक साथ इस वीडियो को यूट्यूब पर और फेसबुक पर दोनों जगह लाइव देख रहे हैं, तो कौन सा पृष्ठीय तनाव का परिणाम है जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये सारे प्रश्न ऐसे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जितने लोग इस चैनल के साथ इलेने पे दुर्गेश पर अपने मित्रवत व्यवहार करते हैं, एक परिवार का हिस्सा मानते हैं। मैं भी निःशुल्क इसलिए आता हूं, जबकि मेरा चैनल नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे निःशुल्क आकर आपको डेली सेवा करता हूं, क्योंकि आपका साथ, आपका स्नेह, आपके माता पिता का आशीर्वाद मुझे यहाँ खींच लाती है। सभी लोग फटाफट कॉमेंट करके बताइए पृष्ठीय तनाव का जो परिणाम होता है वो क्या होता है। यहाँ पर होगा केशिकत्व क्रिया के द्वारा होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी होगा। देखिए, जब यहाँ पर जल तथा कपड़ा पदार्थ वस्तु के पृष्ठीय तनाव के बीच का आसंजक बल जल के कणों के संयोजक बल से अधिकतम होता है तब केशिकत्व का क्रिया होती है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो सी प्रश्न का राइट आंसर होगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के पालनहार, इस देश के निर्माता, दुनिया का कोई व्यक्ति कुछ बन जाए लेकिन बिना बेसिक शिक्षा पढ़े नहीं जाएगा, और आपको उसी का अध्यापक बनना है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक दिन ये संख्या 10,000 के ऊपर जाएगी अगर आप लोग ऐसे ही रह गए। सीलन युक्त गीले कपड़े कपड़े सुखाने की मशीन की किस क्रिया के द्वारा सूख जाते हैं, एकदम कमेंट करके बताइएगा। सीलन युक्त गीले कपड़े कपड़े सुखाने की मशीन की किस क्रिया के द्वारा सूख जाते हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। आप लोग अपना साथ ऐसे ही बनाए रहिएगा, 9:30 बजे अलार्म लगा लीजिएगा, क्योंकि सरकारी शिक्षक बनना है तो सरकारी नौकरी लेना है तो आपको अपना मेहनत करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विक, और इस बधाई के हकदार असली आप लोग हैं, आप लोग के साथ की वजह से इतना हो पाया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर होगा अपकेंद्री बल। अभी ऊपर हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, अपकेंद्री जो बल होता है ये जो डिटर्जेंट को जल में मिलने से जल के पृष्ठीय तनाव को न्यूनतम हो जाता है, लेकिन जब अपमार्जक होता है डिटर्जेंट होता है जल के हाइड्रोजन के बंध को कमजोर बना देता है, जिससे
वॉशिंग मशीन अब केंद्रीय बल के प्रभाव कारण गीले कपड़े जो है वो सूख जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह 20 का राइट आंसर होगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस प्रश्न का जवाब बी होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच है, लोहे से बना गोला जब पारे से भरे बर्तन में डुबाया जाएगा तो क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी साथी, और क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग पे दुर्गेश पे जुड़ सकते हैं। शिक्षक भर्ती की ये क्लास 9:30 बजे प्रतिदिन चलती रहेगी, तो कितने साथी हैं जो कल से 9:30 बजे आएंगे? 7 बजे क्लास चलती है, 8 बजे चलती है, 6 बजे चलती है, 9 बजे चलती है, लगातार चलती है, लेकिन ये मैराथन क्लास शिक्षक भर्ती की 9:30 बजे। बताइए क्या होगा? लोहे से बना गोला जब पारे से भरे बर्तन में डुबाया जाएगा तो क्या होगा? कमेंट करके जवाब देते रहिएगा। देखिए पारे की सतह पर तैरेगा, क्या होगा? पारे की सतह पर तैरेगा। क्यों? क्योंकि स्टील इस्पात के घनत्व से पारे का घनत्व अधिक होता है, इसलिए स्टील से बना गोला पारे पर तैरता रहेगा। क्या होगा? पारे पर तैरता रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के पालनहार और आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी होगा। ये पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ है, क्योंकि हम एनसीईआरटी पढ़ाने पर ही जोर देते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। अगला प्रश्न पुनः आपके सामने है, सभी मूल आधारित बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है? ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, और मैं चाहूंगा सभी लोग फटाफट कमेंट करें। सभी लोग आइए, 4 बजे के बाद मैं जौनपुर में आप सभी से मुलाकात कर पाऊंगा। विद्यालय से आने के बाद आप मुझसे मिल सकते हैं, क्योंकि मैं आधे घंटे तक मैं शहर में रहता हूं, आने वाले सभी साथियों से मुलाकात करके जाता हूं। जौनपुर जनपद के आसपास जो भी हैं उन सभी का ई-लर्निंग विद दुर्गेश के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, जहाँ पे मैं प्राय आधे घंटे का समय शाम को देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं परामर्श लेने के, विचार विमर्श करने के लिए, तैयारी कैसे की जाए, क्या कमियाँ रहेंगी, क्या आपकी मजबूती रहेगी। सभी मूल आधारी बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, यहां पर क्या होगा? सबसे कमजोर बल की बात की जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल है। कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है। जैसे एक पत्थर भी अगर मुंह पर फेंकते हैं तो वो नीचे चला आता है, लेकिन एक यान यहां से निकल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, सभी आधारी बलों में गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक कमजोर है, लेकिन सबसे मजबूत अगर पूछ दिया जाए तो नाभिकीय बल सबसे मजबूत है। सबसे मजबूत अगर कोई बल है तो कौन सा है? मजबूत कौन सा है? नाभिकीय। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह ए इसका राइट आंसर होगा, ई इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जी हां मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए गिरती वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है, ये मैंने ऊपर बताया था। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। जिन लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, देखिए ऑनलाइन क्लास या नोट से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। टेट, सीटेट, सुपर टेट, शिक्षक भर्ती क्लास नोट, ये क्लास जौनपुर जनपद से पूरी तरह से निःशुल्क चलती है मेरे द्वारा। 9:30 बजे एकदम अलार्म लगा लीजिए मोबाइल में, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, फेसबुक पेज पर भी निःशुल्क चल रही है लाइव। गिरती वर्षा की जो बूंदे होती हैं वो पृष्ठी तनाव के कारण होती हैं। मैंने कई बार इसको पढ़ाया है। जी हाँ एकदम राइट आंसर है कि पृष्ठी तनाव के कारण जो वर्षा की बूंदे होती हैं वो गोली होती हैं। ये मैंने कई बार ऊपर बताया, जब जल की बूंदों द्वारा गोलाकार क्षेत्र ग्रहण करने के कारण पृष्ठी तनाव होता है, इसकी जो प्रवृत्ति होती है न्यूनतम क्षेत्र ग्रहण करने के लिए होती है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह बी होगा। अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर करे आप सभी लोग इस वीडियो पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे क्लास खत्म होने के बाद, ईश्वर उनके माता पिताओं के सपना को पूरा करे, आप सभी को अपने सपनों के विद्यालय में भेजे। इतनी मेहनत ईमानदारी के साथ आप पढ़ रहे हैं मुझे देखकर खुशी हो रही है। सेविंग ब्रश के रेसे जल से बाहर निकलते ही आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? यह भी एनसीईआरटी है। क्या है? यह भी एनसीईआरटी है, क्योंकि मैंने आपसे पहले वादा किया है हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे जो सीधा सीधा आपके परीक्षा में पूछा जा सके, और यह प्रश्न यहां से सीधा आपके परीक्षा हाल में पूछे जाएंगे। कमेंट करके बताइए, सेविंग ब्रश के रेसे जल से बाहर निकलते ही आपस में चिपक जाते हैं क्यों? एकदम हलवा उत्तर है, एकदम हलवा जवाब है। जी हाँ पृष्ठी तनाव, रट लीजिए, वर्षा की बूंदें, शेविंग ब्रश, ये सभी पृष्ठी तनाव के
दिया है। काल पेन जो होता है लिखने का कारण भी पृष्ठी तनाव होता है। कितना आसान सा प्रश्न है, इतनी बार हमने आपको बता दिया कि पृष्ठी तनाव सरफेस की वजह से, टेंशन की वजह से कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी शिक्षक साथियों का, इस देश के भावी अध्यापक अध्यापिकाओं, कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोग। तेल की बूंदे जल पर फैल जाती हैं, क्यों? सभी लोग कमेंट करके बताइए। ये ऊपर मैंने पढ़ाया है, आज ही की सीरीज में आप लोगों ने पढ़ा है, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए दिए गए प्रश्न का जो सही विकल्प क्या होगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं कमेंट करिए जल्दी से कि जो तेल की बूंदे होती हैं वो जल पर क्यों फैल जाती हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। देखिए जिनकी बफरिंग हो रही है, यहाँ पे तीन डाट बिंदु को क्लिक करेंगे और उसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो 720p कर लेंगे, एकदम वीडियो साफ HD चलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, एकदम HD की तरह चलेगा। तेल की बूंदे जल पर फैल जाती हैं क्योंकि जल होता है, तेल की सांद्रता अधिक होती है, तेल जल में मिश्रित नहीं होता, तेल का पृष्ठी तनाव जल से कम होता है। बारे मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के पालनहार, इस देश निर्माताओं, बस ऐसे ही लगे रहिएगा क्योंकि अगली बारी शिक्षक भर्ती में आपकी है और आपको यही मेहनत वहां पे साबित करनी है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके बीच है, बर्फ के टुकड़े, ये निशुल्क क्लास है आपके लिए, देश हित में, राष्ट्र हित में, एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में मैं आपको पढ़ाता हूं। बर्फ के एक टुकड़े के साथ शीशे ग्लास के टुकड़े को अंतः स्थापित कर उसे भरे जल में तराया जाता है। यदि बर्फ गलती है तो जल की सतह बढ़ेगी घटेगी? कितना गजब का प्रश्न है, यह NCERT में है। ये सारे प्रश्न आपको NCERT में मिलेंगे क्योंकि यह NCERT का ही निचोड़ है और हम हमेशा NCERT को पढ़ाने में फोकस करते हैं। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, हमारे बीच जौनपुर जनपद के भरत सर हैं, लाइव भारत लाइब्रेरी से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने अपना कीमती वक्त इस चैनल को दिया, इस वीडियो को सुनने में, पढ़ने में दिया। हम आपका सदैव शुक्रगुजार रहेंगे। जी हाँ, आप भी सर एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथी मित्रों के साथ। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि बर्फ के एक टुकड़े के साथ शीशे ग्लास के टुकड़े को अंत स्थापित कर उसे भरे जल में तराया जाता है। यदि बर्फ गलती है तो जल का सतह क्या होगा? चाहे यहाँ पर एक ग्लास ही क्यों ना हो, इस ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जाए और यह बर्फ का टुकड़ा अगर गलेगा तो यहां पर क्या होगा? व्हाट हैपन? कमेंट करके जवाब दीजिएगा क्योंकि यह पूरा NCERT है। मैं आपने बार बार से कहा था, देखिएगा इसमें क्या होगा, कम होगी, क्या होगी, जल की सतह कम होने लगेगी। कम कैसे होगी, आइए ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं। बर्फ गलने पर कांच द्वारा जल के आयतन को विस्थापन के कारण जल का सतह में कमी होने लगेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, कुछ लोगों ने बताया समान रहेगी। जी नहीं मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, यहां पे गलती हो जाए परीक्षा हाल में गलती मत करिएगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि बर्फ के गलने पर कांच द्वारा जल के आयतन को विस्थापन होगा जिसके कारण जल की सतह में कमी आएगी। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बूंदे बन जाती है और यहाँ पे जल की सतह क्या होगा, कमी आएगी। ध्यान से देखिएगा और यह अगर आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा तो आपको यह आसानी से मिल गया होगा। चलिए हम आगे चल रहे हैं। कम होगा क्योंकि विस्थापन के कारण, जल के आयतन के विस्थापन कारण जल के सतह में कमी आएगी। हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पुनः आपके सामने है, एक नाव जल में नहीं डूबेगा जबकि उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा? मैंने एक प्रश्न आपको पढ़ाया था, आर्किमिडीज का सिद्धांत, मैंने ये बताया था, जब भी किसी वस्तु को किसी भी जल में पूर्ण या आंशिक रूप से, जब भी किसी भी जल को में किसी भी ठोस वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाएगा, पूर्ण आंशिक रूप से डुबोया जाएगा, उसके द्वारा हटाए गए जल यदि वस्तु के बराबर है, यदि वस्तु के बराबर है, ध्यान दीजिएगा, यदि वस्तु के बराबर है तो वस्तु क्या होगी, तैरेगी, क्या होगी, तैरेगी। यदि वस्तु से हल्का बराबर है तो, बराबर है तो मध्य में तैरेगी, कहां पे, मध्य में तैरेगी। अगर वस्तु से कम है तो सतह पर तैरेगी, अगर ज्यादा है तो डूब जाएगी।
तो यहां पर क्या होगा, इस प्रश्न का नाव द्वारा अगर हटाया गया है, इस प्रश्न का होगा आयतन। अगर किसी नाव द्वारा अगर किसी भी द्रव में डुबाया जाए तो उसके द्वारा हटाया गया आयतन से उसके जल का भार यदि कम है तो वस्तु बीच में सतह पर तैरेगी बराबर बीच में। इसे कौन सा सिद्धांत कहते हैं कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, वह क्या कहते हैं कमेंट करके बताइए, कौन सा सिद्धांत है। हम आगे बढ़ रहे हैं, आज ही मैंने पढ़ाया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, जल सतह पर लोहे की सुई क्यों तैरती है जबकि इसे हल्के से जल की सतह पर रखा जाता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, लगे रहिए आप लोग, एक दिन आप भी इसी चैनल के माध्यम से आप अपने विद्यालयों की तरफ जाएंगे, अपने गंतव्य की तरफ जाएंगे। बताइए कमेंट करके कि जल के सतह पर लोहे की सुई क्यों तैरती है। क्या पढ़ाने में कोई कमी है क्या, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन करें, जितने लोग अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, यहाँ पर लिंक होगा दुर्गेश सर सर्च करके, सभी क्लास की लिंक 24 घंटे बाद इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पूरी तरह से निःशुल्क मेरी क्लास आपको मिलती रहेगी। जल की सतह पर लोहे की सुई क्यों तैरती है, अब इसे हल्के से जल की सतह पर रखा जाता है तो क्या होगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा, पृष्ठीय तनाव के कारण होगा। क्या होगा, पृष्ठीय तनाव। ध्यान सुनिएगा कि जब लगभग जब लोहे की सुई जल की सतह पर रखी जाती है तो सुई का घनत्व तो जल के घनत्व से अधिक होने के कारण सुई जल में डूब जाती है, लेकिन जब इसे हल्के से जल की सतह पर रखा जाता है तो सतह के पृष्ठीय तनाव कारण सुई जल में तैरती रहती है। सुना होगा आप लोगों ने कभी कादर पर धीरे सुई रख दिया जाए तो नहीं डूबती, लेकिन हल्का सा ऊपर से छोड़ा जाए तो डूब जाती है, तो पृष्ठीय तनाव के कारण तैरती है। और वैसे तैरने का कारण आर्किमिडीज का सिद्धांत है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ए होगा। कितने लोग को यह बात समझ में आई जल्दी से कमेंट करके बताइए। जितने को समझ में आ गई वाई कमेंट करे, जिनको नहीं आई वो यन कमेंट करे। सभी लोग जल्दी, अभी और सारे प्रश्न बने, अभी आधे घंटे क्लास आपकी चलेगी, घबराइए नहीं आप लोग, क्योंकि आपको सरकारी शिक्षक बनाना है, क्योंकि कल का जो काम करना है आज ही पूरा कर देंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बार और शेयर कर दीजिए, संख्या कम हो रही बढ़ने की जगह। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया है। अब इस वजह से हम अगले दिन और अच्छी क्वेश्चन लेकर आएंगे और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है आपके बीच, एक गोली या बुलेट दागने पर घर्षण मुक्त टेबल पर पड़े स्थिर ठोस टुकड़ा में धस जाती है, इस प्रक्रिया में किसकी भाग या राशि का संरक्षण होता है। सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह न्यूटन का नियम यहां पे काम करता है कि जब गोली को दागा जाता है तो घर्षण मुक्त टेबल पर पड़े स्थित ठोस टुकड़े में धस जाती है, इस प्रक्रिया में किस भाग या किस राशि का संरक्षण होता है। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, सभी लोग फटाफट कमेंट जरूर करिएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, केवल संवेग की वजह से। देखिए जब गोली यहाँ पे जब गोली दागी जाती है तो उसके साथ क्या होता है, ठोस टुकड़ा, जो ठोस टुकड़ा है यहाँ पे, जब गोली दागी जाती है तो ठोस टुकड़े पर कोई बाह्य बल नहीं होता, जिस कारण रेखीय संवेग होता है और सदैव संरक्षित होगा। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा केवल संवेग होगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, बी होगा। यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर घर्षण मुक्त टेबल की बात का है, प्रश्न को पूरा ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर केवल संवेग होगा क्योंकि यहाँ पे जो टेबल है वो कैसी घर्षण है। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, सभी साथी बताइए। ये शायद पिछली शिक्षक भर्ती का पूछा प्रश्न है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि रेस के घोड़े अंतोगत्व रेस में ही अच्छे लगते हैं। ध्यान से देखिएगा, रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। सभी साथी जो लोग इस वीडियो को लाइव एनसीईआरटी सीरीज है, पढ़ लो मास्टर नहीं तो पछताओगे। देखिए रॉकेट किस संरक्षण पर काम करता है, रेखीय संवेग संरक्षण पर काम करता है। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण पर काम करता है, यह नीचे की ओर गतिशील गैस रॉकेट को ऊपर की दिशा में धक्का प्रदान करने का काम करता है।
ठीक है, ये रॉकेट है, मुझे बनाने नहीं आता, ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी होगा। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न के लिए। घर्षण कोण तथा अभिशयन कोण, स्थैर्य कोण क्या होते हैं? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए, सभी लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार, और अपने सभी साथी मित्रों तक पहुंचाइए, क्योंकि रेस के घोड़े रेस से निकलते हैं। एक प्रश्न आया है कि बंदूक से गोली निकलने के बाद बंदूक पीछे की तरफ जाती है, ये न्यूटन का कौन सा नियम है? अभी आगे इस प्रश्न को हम जरूर पढ़ेंगे। जी हाँ, एक सवाल आया है, बंदूक जाती है वह न्यूटन का कौन सा नियम है, अभी हम लोग पढ़ेंगे मालिक। देखिए, यह होगा परस्पर बराबर। कौन सा कोण है यह? परस्पर बराबर होगा। यहां पे ध्यान देने योग्य बात है, स्थैर्य या अभिशयन कोण जो होता है यह न्यूनतम कोण है, जो अवनतल तल पर क्षैतिज सतह के साथ बना होता है, इसलिए यह घर्षण कोण के समान होता है। इसलिए इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प जो होगा इसका राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, वृत्तीय पथ पर गतिशील एक वस्तु उदाहरण है। एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम यूनिक प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न पूरी तरह से आपके एनसीईआरटी पैशन पर है। सभी लोग एक बार कमेंट जरूर करिएगा, चाहे जिस जिले से हो, क्योंकि आपको हर जिले में अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है और आपको सरकारी शिक्षक बनना है। कितने लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन 9:30 बजे की क्लास में अपने सभी मित्रों के साथ लाइव आने वाले हैं? एक बार जरूर कमेंट करके बताते रहिएगा और प्रश्न का जवाब देते रहिएगा। अलका जी ने बताया न्यूटन का तीसरा नियम। देखिए, वृत्ति पथ पर गतिशील एक वस्तु उदाहरण है, किसका उदाहरण है? एक समान गति और चर वेग का। एकदम सही जवाब दिया है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, एक समान वृत्ति गति में वस्तु की गति अचर होती है, लेकिन इसकी दिशा परिवर्तनीय होती है, अतः यह वेग परिवर्तनीय है। यह वेग क्या है? परिवर्तनीय है। इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वो सी को हम लोग ताला लगाएंगे, सी को इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस तरफ झुकना चाहिए? ये साइकिल चालक है, ये वृत्ति गति है, गति कर रहा है, तो किस तरफ झुकना चाहिए? जल्दी से कमेंट करके बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। उन सभी साथियों का धन्यवाद जो बार बार मेरी जगह अपनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं वीडियो को शेयर करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शबनम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, दिलीप जी आपका भी धन्यवाद। चलिए, एक साइकिल चालक को वृत्ति गति में किस तरफ झुकना चाहिए? जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। मंगल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक साइकिल चालक को वृत्ति गति में किस तरफ झुकना चाहिए? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं जल्दी कमेंट कर लिए। देखिए, ये केंद्र की ओर होगा, कहाँ की होगा? जब साइकिल चलाते हैं वृत्ति गति में किधर? केंद्र की ओर होता है, शीर्ष प्रश्न का राइट आंसर होता है। जब किसी वृत्ति पथ पर चलता है तो केंद्र की तरफ झुकता है, आपने देखा होगा वह केंद्र की तरफ झुक रहा है, ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा, सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आप लोग जरूर बताइएगा आप लोग किस किस जिलों से वीडियो को देख रहे हैं, क्या आप अपने जिले में इस वीडियो को पहुंचाएंगे? देखिएगा, एक एक उच्च द्रव्यमान वाले एक टेनिस बॉल एक गेंद समान वेग से फेंका जाता है, तो क्रिकेट की गेंद को रोकने के लिए हमें निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता पड़ेगी? आपको इस टॉपिक को पढ़ने के लिए कक्षा 6 से लेकर 10 तक की जो एनसीईआरटी पढ़नी थी वह आपको अब नहीं पढ़नी पड़ेगी। यह टॉपिक इन तीनों चारों ईयर के 6 से लेकर 10 तक के सभी किताबों का मिश्रण है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा जहां से जो वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, आप लोग सोचिए कि हम किन किन राज्यों में पहुंच चुके हैं, अपने अपने राज्यों की विशेषता, जिलों की विशेषता बताते रहिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। अलका जी ने कहा कि हमारा जिला आपका फैन है, आप सभी का धन्यवाद, आपके जिले के सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। देखिए, यहां पर इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा अधिक बल की। ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा, जैसे जब हमें क्रिकेट की गेंद हमारे पास है तो पीछे तरफ हम हाथ को घिसते हैं, जब पीछे की तरफ घिसते हैं तो वहां पे अधिक बल की जरूरत पड़ती है। तो ध्यान दीजिएगा, उच्च द्रव्यमान वाले टेनिस बॉल या क्रिकेट गेंद को समान वेग से फेंका जाए तो क्रिकेट गेंद को रोकने के लिए हमें क्या होगा? अधिक बल की जरूरत पड़ती
है, क्योंकि अधिक द्रव्यमान वाली गतिशील वस्तु को रोकने के लिए निम्न द्रव्यमान वाली गतिशील वस्तु की अपेक्षा अधिक बल की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों वो ए इसका राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। धन्य हो, यह जौनपुर जनपद की क्लास प्रदेश के अन्य जनपदों तक जा रही है, कोई दिल्ली से, कोई हरियाणा से, कि जौनपुर से अलग अलग लोगों से देख रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा लगा, कोई गाजियाबाद से, बलिया से। ध्यान से देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है। एक समान गति से चल रही रेलगाड़ी से एक व्यक्ति द्वारा एक गेंद गिराया जाता है, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी एनसीईआरटी में है। इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक पर्यवेक्षक इसका निरीक्षण करता है, तो पर्यवेक्षक द्वारा निरीक्षित पथ क्या होगी? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए। सीतापुर, इटावा, गोंडा, मेठी, चंदौली, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, मिरूद, बरेली, बलिया, वाराणसी, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, अयोध्या। बहुत ही अच्छा लगा, आप लोग इन जनपदों से पढ़ रहे हैं, चित्रकूट, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, औराई, एटा, अयोध्या, बहुत मऊ, चलिए वीडियो को जवाब देते रहेगी, बलिया, गोंडा, बहुत अच्छा लगा, उन्नाव, शाहपुर, गोरखपुर, सीतापुर, कासगंज, गोरखपुर, नोएडा, पौली, कानपुर देहात, कुशीनगर, सुल्तानपुर, बुलंदशहर, मऊ, हरदोई, बहराइच, बरेली, ब्रजेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सीतापुर, गोंडा, बस्ती, अच्छा मुंबई, मऊ, गोरखपुर, उन्नाव, प्रयागराज, मऊ, सीतापुर, जौनपुर, मिरूद, जौनपुर की, अच्छा इमरती, अमित जी, गाजीपुर, इटा, चलिए अभी पढ़ लेते फिर पीलीभीत। यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा क्या होगा, कौन सी आकृति होगी यहाँ पर, यहाँ पर होगी परवलय। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, बहुत ही अच्छा लगा आप लोग के साथ। एक समान गति से चल रही रेलगाड़ी से एक व्यक्ति द्वारा क्या करते हैं, एक गेंद गिराया गया, इसे प्लेटफॉर्म भी खड़ा पर्यवेक्षक इसका निरीक्षण करता है, तो परवलय का पथ होगा। जब एक वस्तु दूसरी गतिशील वस्तु से अलग होती है तो उसमें गतिशील वस्तु की गति में उसमें जुड़ जाती है, अतः यहाँ गेंद भी गतिशील ट्रेन से गति को प्राप्त करेगी और साथ ही ट्रेन से गिरती हुई गेंद पर निम्नगामी बल भी गुरुत्व के कारण आरोपित होगा। इसलिए क्षैतिज तथा निम्नगामी दोनों वेग के कारण गेंद की गति क्या होगी, परवलाकार होगी। गेंद की गति कैसी होगी, परवलाकार होगी। इसलिए मेरे प्यारे शिक्षक साथियों इस प्रश्न का उत्तर सी इसका राइट आंसर होगा। आजमगढ़, जौनपुर, फिरोजाबाद, चंदौली, अलीगढ़, मुझे लग रहा है 75 जनपदों से आप लोग हैं, बहुत अच्छा लगा, मिरूद, बलरामपुर, सुल्तानपुर, झाजपुर। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके पुनः सामने है। न्यूटन की गति के पहले नियम की परिभाषा क्या थी, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जी नहीं इरफान जी, मेरे चरण स्पर्श मत करिए, मैं आपके भाई के समान हूँ, आपके मित्र के समान हूँ, आपके माता पिता का मैं भी एक पुत्र के समान हूँ, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ हमारे चरण स्पर्श ना करें, हम आप सभी हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे, क्योंकि आप भी इस बेशिक्षक परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं, अपने माता पिता के सपनों को साकार करने जा रहे हैं, इसलिए चरण स्पर्श ना करिएगा, मुझे शर्मिंदा ना करिएगा। बहुत लोग कमेंट करके बताइए न्यूटन की जो गति है, जिसे मेरे आप सभी अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक साथी हैं, इस देश के पावनहार बनने जा रहे हैं, इस देश की शिक्षा व्यवस्था का कड़ी बनने जा रहे हैं आप, बेसिक शिक्षा की आधारशिला बनने जा रहे हैं आप, इसलिए आप लोग से निवेदन है, आप लोग हमारे साथी मित्र हैं, साथी शिक्षक हैं, और इस देश के जल्द ही आप लोग भावी शिक्षक जो है देश की सेवा में अपना बेहतर देंगे। न्यूटन गति के पहले नियम की जो परिभाषा होती है क्या होती है, उसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के गति के पहले नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन ने कहा था वस्तु सदैव विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, इसलिए इसे जड़त्व का नियम कहा गया। इस प्रश्न का ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी का राइट आंसर होगा, डी प्रश्न का सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग अपना बेस्ट देते रहिएगा। अगला प्रश्न पुनः आपके सामने आपके बोर्ड पर दिख रहा है। दूध से मलाई का बिल्भाव विच्छेदन अथवा अलगाव का क्या कारण होता है, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। सभी क्लास के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, इस वीडियो के लिंक में आपको दिख रहा होगा टेलीग्राम, या दुर्गेश सर सर्च करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी क्लास वीडियो फ्री मिलते रहेगी, इसकी पीडीएफ भी 24 घंटे के बाद आपको उपलब्ध हो जाएगी। सभी 9:30 बजे प्रतिदिन 5 दिन आपकी क्लास चलती है, 2 दिन करंट की क्लास चलती है सैटरडे और संडे को, तो करंट के लिए भी आप लोग जुड़े रहिएगा।
दूध से मलाई का अलगाव जो होता है किस कारण से होता है, सभी साथी कमेंट करके बताएं। ऊपर हम लोगों ने इसको पढ़ा था, इसलिए यहाँ पे गलती मत करिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। अब केंद्रीय बल के कारण होता है, रट लीजिए, क्योंकि अब केंद्रीय बल आभासी काल्पनिक होता है, ये छायावादी बल है जो वृत्त के केंद्र की बाहर की ओर लगता है। यही कारण है जब दूध को मथा जाता है तो मलाई अलग हो जाती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है, ठीक है, ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या होगा, 20 का सही जवाब होगा, 20 का राइट आंसर होगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर रहिएगा, 24 घंटे के बाद इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, चाहे उसको हार्ड कॉपी रखिए, सॉफ्ट कॉपी रखिए, प्रिंट कराइए। आदित्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जौनपुर से हैं, पास रखे रहिए। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, जब दूध को मथा जाता है, अगला है, जब किसी वस्तु को द्रव्य में डाला जाता है तो उसके ऊपर कौन सा बल कार्य करता है। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, जो लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए, ऑनलाइन क्लास या नोट संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये क्लास जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से पूरी तरह से निःशुल्क आपके लिए संचालित की जाती है, प्रतिदिन रात 9:30 बजे। इसके अलावा बहुत सारी क्लासेज आपकी डेली चलती हैं, मेरी भी चलती हैं, जुड़े रहिएगा निःशुल्क। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जब किसी वस्तु को द्रव्य में डाला जाता है तो उसके ऊपर कौन सा बल कार्य करता है, कमेंट करके बताइएगा। जैसे यहाँ पर ये हमारा ये कोई बर्तन हो गया, मान लीजिए हमारा ये बीकर है, इस बीकर में क्या है, पानी रखी गई है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक वस्तु डालते हैं, क्या करते हैं, एक वस्तु डालते हैं, ये भार है, ये भार को हम लोग डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, एक भार हम लोग डालते हैं, अब क्या होगा, ऊपर एक बल काम करता है, कौन सा बल, इसको दबाव डालने का एक बल काम करेगा। कैसे, जब किसी वस्तु को द्रव में डाला या डुबोया जाता है तो उस वस्तु पर दो बल एक साथ कार्य करते हैं। वस्तु का भार उसे क्या करता है, नीचे दिशा में ले जाता है, द्रव का भार उसे ऊपर दिशा की तरफ आरोपित करता है। यहाँ पे दो बल काम करते हैं, एक इसे ऊपर की तरफ ढकेलता है, एक इसे नीचे की तरफ ढकेलता है, प्रेशर लगा के नीचे डालना पड़ता है। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होगा, एक ऊपरगामी बल लगता है, ऊपर की ओर लगता है, दूसरा यहाँ पर एक भार भी काम करता है इसका, जो नीचे की तरफ ले जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए और बी दोनों सही होगा, दो बल एक साथ काम करते हैं, एक जल में अंदर जाने से रोकता है, एक उसे जल में दाने को रोकता है। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा वो डी का राइट आंसर होगा, डी प्रश्न का सही जवाब होगा। क्या सबको समझ में आ गया, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे थे। देखिए, किसी वस्तु को द्रव में डाले तो उसके ऊपर कौन सा बल का, देखिए यहां पे ए भी होगा लेकिन दोनों बल यहां पे काम करेगा, वस्तु के ऊपर दो बल काम करता है। जैसे इसके अंदर अगर हम कुछ भी डाले, ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को सोचने का प्रयास करिएगा कि जब भी यहां पे डालेंगे, जैसे आप कोई ग्लास डालते हो, दो बल काम करेंगे, नीचे से ऊपर से, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, समझ में आ गया सबको ना, दो बल काम करेंगे, एक नीचे से ऊपर से। अगला प्रश्न आपके बीच है, आज का टॉपिक खत्म करना है क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है कि आपका सिलेबस समय से कंप्लीट करना। यहां पर देखिए, कौन सा क्षणिक या आंशिक अथवा अल्पकालीन बल है, एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम यूनिक प्रश्न है, सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा, सभी साथी, सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। हमारे बीच टेक्निकल सौरभ जी लाइव है, वो सभी के इस प्रश्नों का जवाब देते रहेंगे और इन्हीं की वजह से क्लास चल पाती है। सौरभ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप देख रहे होंगे एक ग्रीन कलर से ब्लू कलर से कमेंट आपके बीच आ रहा है, उन्हीं की वजह से सारी क्लासेज लेने भी दुर्गेश उपलब्ध हो पाती है। वास्तव में चैनल उन्हीं का है, हम तो निःशुल्क आकर पढ़ाते हैं और एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में। कमेंट करिए, कौन सा क्षणिक आंशिक अथवा अल्पकालीन बल है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। यह होगा घर्षण बल, कौन सा बल, घर्षण बल होता है, घर्षण बल एक आंशिक क्षणिक बल है, यह अल्पकालीन बल है, यह ऊर्जा का संरक्षण नहीं करता, इसे गैर परंपरागत बल कहते हैं, यह ऊर्जा का संरक्षण नहीं करता है, ये ऊर्जा का संरक्षण नहीं करता है, यह गैर परंपरागत बल है, इसे हम क्या कहते हैं, गैर परंपरागत बल कहते हैं। क्यों, क्योंकि यह ऊर्जा का संरक्षण नहीं करता, इसलिए इसे गैर परंपरागत बल कहते हैं, इसे घर्षण बल कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो क्या होगा, 20 का राइट आंसर होगा, 20 का सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है,
चलिए निम्नलिखित में कौन सा आभासी बल है। देखिए किसी को कोई प्रश्न अगर पूछना है ना, मैंने आपको कई बार बताया एक नंबर यहाँ पे दिया गया है, उस नंबर पर कॉल करके पूछिए। ये सारा काम मिलन नहीं दुर्गेश के ऑफिस का काम है, तो भैया मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मेरा काम है यहाँ पे पढ़ाना। टॉपिक के संबंध में यदि कोई समस्या रहती है पूछिए, अन्य कोई प्रश्न पूछने के लिए इस नंबर पर बात करिए। ठीक है, सारी क्लास को सेट करना, प्रश्न को टाइप कराना, सारा काम सौरभ जी का है, तो आप उनसे बात करिए ना, उन्हीं के देने क्लास चल पाती है एकदम टाइम टू टाइम। मुझसे ज्यादा आपकी क्लास की ध्यान अगर किसी व्यक्ति को तो सौरभ को है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्हीं की वजह से क्लास आज यहां से यहां पहुंच रही है, आज एक साथ इतने लोग देख रहे हैं वीडियो को। जो बोलते हैं वही बात करिए, यहां पर इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं है करके। इस प्रश्न का होगा अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल जो होता है यह वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु पर केंद्र से बाहर क्यों लगने वाला यह काल्पनिक बल है, इसे आभासी बल कहते हैं, इसे काल्पनिक बल भी कहते हैं, इसे काल्पनिक बल भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह सी होगा। किसी भी प्रश्न के लिए देखिए बहुत सारे लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, यहां पूछिए, यहां केवल टॉपिक के अलावा कोई प्रश्न पूछेंगे तो ब्लॉक कर दिए जाएंगे। ठीक है, यहां पे पूछना है आपको, क्लास को डिस्टर्ब मत होने दीजिए। हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। एक समान गति के साथ एक वस्तु क्या होगा, जवाब दीजिए फटाफट कमेंट करके, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। एक समान गति के साथ एक वस्तु क्या होती है, त्वरित नहीं हो सकती, त्वरित हो सकती है, सदोत्तरित होती है, एक समान वेग में रहेगी, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। एक समान गति के साथ एक वस्तु क्या होती है, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। त्वरित हो सकती है, क्या हो सकती है, त्वरित हो सकती है, क्या हो सकती है, त्वरित हो सकती है, क्योंकि हमने आपने देखा कि जो त्वरण होता है, यहां पे जो त्वरण होता है हम जानते हैं त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर होता है, वेग परिवर्तन की दर होता है, मतलब वस्तु की गति अचर होगी क्योंकि वेग परिवर्तन की दर पर है, इसलिए इस प्रश्न का जो विकल्प होगा वो 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया आप सभी को। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके कारण है, इस कारण यदि कोई व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है तब क्या होगा। सभी लोग अब फटाफट कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करके दिए गए प्रश्नों को पूछिएगा। ऑनलाइन क्लास या नोट्स के संबंध में यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस में आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास पूरी तरह से निःशुल्क ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है। अन्य सभी क्लास या नोट्स के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास खत्म होने के 24 घंटे के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी जाएगी, जो दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर है। ठीक है, और ये क्लास 9:30 बजे चलती है, इसके अलावा अन्य बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, सुबह शाम के 6 बजे से लेकर रात्रि के 11 बजे तक लगातार कंटिन्यू क्लास चलती रहती हैं। और इसलिए अब ये क्लास का आखिरी प्रश्न है, लगातार कुछ लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं बिना वजह के, तो आज इसकी कल हम लोग फिर मिलते हैं 9:30 बजे। ठीक, तो आप सभी लोग से निवेदन है कल सभी लोग लाइव रहिएगा, और हम लोग तो अकॉर्डिंग टू टॉपिक जो भी सुपर टेट का टॉपिक है, जो भी आपका सुपर का जो टॉपिक है उस टॉपिक के आधार पर लगातार अध्ययन करेंगे, क्योंकि आप सभी को सरकारी शिक्षक बनना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वो प्रतिक्रिया होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, जैसे यहाँ पे कोई चट्टान है, इस चट्टान पे अगर हम हथौड़े से प्रहार करते हैं तो हथौड़ा पीछे की तरफ आता है, जब हम आगे की तरफ मारते हैं, ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। जैसे आप लोगों को मैंने ऊपर बताया था कि जब बंदूक से गोली चलती है तो पीछे की तरफ आता है, नाव पर से कूदते हैं नाव पीछे की तरफ जाता है। ठीक है, तो वहां पर हम लोगों ने देखा यह न्यूटन का तीसरा नियम है। यह क्या है, यह न्यूटन का तीसरा नियम है, न्यूटन का तीसरा नियम है। कितने लोग को समझ में आ गया कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जो लोग जिस जनपद से हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर करे
लोग जल्दी सरकारी शिक्षक बने, अगले शिक्षक भर्ती में आप सभी का एक पद हो, क्योंकि आप सभी अपने माता पिता अपने परिवार की उम्मीदें हैं। जिस दिन आप सफल होकर आते हैं, आपके माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और आपके आसपास के जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी लोग पढ़ाते हैं, कहते हैं फलाने के बेटो बिटिया पढ़कर आज सरकारी शिक्षक हो गई है, तो आप भी पढ़िए। इसलिए मेरा आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो को लाइक करें ना करें, शेयर करें ना करें, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ पढ़िएगा, क्योंकि अगले शिक्षक भर्ती में आपको एक नौकरी लेनी है। क्योंकि जरा सा गलती करेंगे तो आप कहीं ना कहीं आपको मुंह की खाने की पड़ सकती है, क्योंकि इसके बाद जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती, ये आखिरी मौका मानकर पढ़िएगा। और इस बार आपको एक सीट लेना है, उसमें जो मुझसे होगा मैं करूंगा, मैं पूरी रात पढ़ाने को तैयार हूं, बस आप मेहनत के साथ पढ़िएगा। बहुत अच्छा लगा, 10-10 लोगों को अपने साथ जोड़िए, एक दिन एक क्लास 10 सूखेंगे, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं। उन सभी साथियों का सहृदय धन्यवाद जिन साथियों ने पूरी मेहनत के साथ अपना बेस्ट दिया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बाय बाय। जी हाँ, जितनी पीडीएफ है, जितनी क्लास है, जब तक चाहे देख सकते हैं, सारी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी निशुल्क टेलीग्राम पर, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम पर भी दुर्गेश सर सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरी फेसबुक पर है दुर्गेश अशोक जायसवाल, वहां जुड़ सकते हैं। लेकिन आपके माता पिता को सपनों को पूरा करना है, अपने भारत के सपनों के विद्यालय को पूरा करना है। आप जैसे लोग इतनी रात पढ़कर अगर प्राथमिक विद्यालय में जाएंगे, उसका नाम कितना रोशन करेंगे, उस विद्यालय के लोग कितने भाग्यशाली होंगे जहां आप जैसे अध्यापक अध्यापिका जाएंगे। लेकिन उसके पहले जितनी मेहनत हो करिए, क्योंकि यह आने दिन आपके जीवन का निर्णायक है। इस दिन अगर आपने बेहतर कर दिया तो आने वाला हर एक दिन आपके खुशियों का दिन होगा, अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही की तो खामियाजा आपको पता होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमसे बात करने के लिए मेरा इंस्टाग्राम दुर्गेश सर है, फेसबुक पेज है, ठीक है, और बाकी के लिए ये ऑफिस का नंबर है, यहीं से सब कुछ आपको जानकारी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो पूछना है यहाँ से पूछ सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर बता दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बाय बाय। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। तो जितने लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया है, स्टोर करें, दिन दोना रात चौगुना आगे बढ़ते रहे, अगले शिक्षक भर्ती में उनका एक स्थान फिक्स हो, और जितने लोगों ने लाइक किया, भगवान उनकी जिंदगी को ऐसे बनाए रहे, क्योंकि ऐसे लोग बेसिक में आएंगे तो बेसिक को बर्बाद कर देंगे, क्योंकि वो दूसरों में बुराइयां खोजते हैं। लेकिन आप जैसे अच्छे लोग बेसिक परिवार इंतजार कर रहा है ताकि बेसिक परिवार ऊंचाइयों पर जाए, गरीब माँ बाप के लोग वहां पे पढ़ते हैं बच्चे उनके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए आदित्य जी बहुत धन्यवाद आपका, अनूप जी, एकता जी, सिप्रा, इरफान, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, पूजा, मीना, शबनम, आप सभी का धन्यवाद, कोई छोड़ गया, एक तरफ सबको धन्यवाद, अंजलि जी आपका भी धन्यवाद। चलिए भैया सबके धन्यवाद, ठीक है, टारगेट सुपरटेट, थैंक यू आप सभी का। हाँ फिर देख सकती हैं, ठीक, चलते हैं, बाय बाय, सीतापुर से धन्यवाद। चलिए बाय बाय, अब हमें इजाजत दीजिएगा क्योंकि मेरा गला बैठ जाएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा।